नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ स्टडी 29 के चैनल पे। आज हम लोग पेडागोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज एक क्लास नंबर 19 होगा। इससे पहले 18 क्लास आ चुका है, उसको भी आप प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 2014 का सितंबर महीने का जो पेपर था, सितंबर महीने का पेपर टू उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितना भी पेपर 1 उसका डिस्कशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन पेपर 2 का भी हम लोग डिस्कशन करते करते 2014 ईयर जो है उसमें आ चुके हैं हम लोग, और आगे जितना भी पेपर बचा हुआ है 19 तक वो सबको हम लोग डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पेडागोजी का 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर टू। डेवलपमेंट क्या डिमांड करता है टीचिंग में? स्ट्रिक्ट, देखिए स्ट्रिक्ट कहीं पर हुआ ऑप्शन गलत होता है, एलिमिनेट कर दीजिए। ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज इन इक्विटेबल मैनर, इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते हैं सबको। और प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ओनली, यहाँ देखिए ये भी एलिमेंट हो गया है। तो ऑप्शन 1 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बचा क्या? ऑप्शन 2, एडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्टडीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर। अपने आप को टीचर को एडेप्ट करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शनल स्टडीज को एडेप्ट करना पड़ता है डेवलपमेंट फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। आगे, लर्निंग के नॉट बी लर्न अनलेस, लर्निंग कब नहीं सीखा जा सकता है। दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, हो सकता है देखिए, लेकिन सब कुछ मेन लर्निंग तब नहीं हो सकता है जब आदमी जो सीखने वाला वो प्रिपेयर नहीं। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो क्या सीखेंगे, हाँ कि नहीं? तो ऑप्शन 3 जो है मुझे सबसे बेस्ट है, बाकी जो ऑप्शन कोई काम का नहीं है। जब तक कोई प्रिपेयर नहीं सीखने के लिए तब तक लर्निंग नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3 जो कि सबसे बेस्ट है, तो 3 के साथ ही जाएंगे हम लोग। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग किस पे ज़्यादा गुरुत्व दिया है? सोसाइटी जो है वो किसको बोले जाते हैं आप, नेचर को, नर्चर को, नेचर नर्चर डिबेट भी होता है। तो नेचर जो है आपका हेरिडिटी है, ठीक है, नर्चर जो है इन्वायरमेंट है, यानी सोशल लर्निंग किस में होगा? नर्चर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, साइकोसोशल थ्योरी जो है, इरिक रिक्सन का थ्योरी है, उनके हिसाब से 8 डेवलपमेंट का स्टेजेज है। तो इनमें से कौन सा है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है फेलिक एंड लेटेंसी, ये आपका इनका थ्योरी का नाम नहीं है, ये आपका सिगमंड फ्रॉयड का थ्योरी है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो भी, ये भी नहीं है, यहाँ पे बिहेवियरिस्ट थ्योरी लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिए हैं। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी ऑप्शन नंबर 3 यही है, साइकोसोशल थ्योरी में आपका जो 8 स्टेज है उनमें से एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, ठीक है। द फैक्ट डेट चिल्ड्रेन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रिब्यूटेड बाय, ये फैक्ट कौन सा साइंटिस्ट के हिसाब से है कि नॉलेज और स्किल ज़रूरी होता है, कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल ज़रूरी होता है, ये कौन सा साइंटिस्ट के हिसाब से? चार्ल्स डार्विन ऐसा कोई नाम नहीं मिला है, और यूरी वॉन बेनर ये भी आपको नहीं मिला है। कल्चर और सोसाइटी आपको पता होगा, लेव भाइगोस्की का थ्योरी में कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होता है, यानी कल्चर यहाँ पर बात किया नहीं, लेव भाइगोस्की डायरेक्टली जाएगी, बाकी देखने का जरूरी नहीं है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी बिहेव स्किनर है, और यहाँ पर कल्चर का बात है तो बाकी वो जाएंगे नहीं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। एज ए टीचर योर फैमिली बिलीव इन सेइंग नो टू द रैंगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अ पोस्टर एंड फॉर्म्स कमेटी इन द स्कूल, रैंगिंग को आप अच्छा नहीं पाते हैं और उसको आप उसके खिलाफ हैं, तो उसके लिए पोस्टर कमेटी सेटअप कर रहे हैं। द यंग एडोलेसेंट हु जॉइन यू विथ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट द व्हिच लेवल, यदि ऐसा बच्चा ज्वाइन कर रहा है आपके साथ, यानी कौन सा लेवल में कॉलबर्ग के हिसाब से? देखिए ऑप्शन 4 एक कोई लेवल नहीं है, ठीक है, हट गया। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। प्री तो बहुत बचपन होता है, यानी जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है तो वो है, तो प्री यहाँ पे होगा नहीं। बच्चा कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल में बच्चा सोसाइटी का जो राइट रॉन्ग का बात डिसीजन नहीं कर पाता है, जो पोस्ट में होता है सोशल कंस्ट्रक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल और 4 नंबर स्टेज में आता है, जो कि पोस्ट लेवल जो है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि अपना जो लक्ष्य है उससे बाहर भी जाके बच्चा या कोई आदमी यंग लर्नर एडोलेसेंट काम कर रहा है, यानी उसके पास पोस्ट कन्वेंशन लेवल में हो वो है, ठीक है। आगे चलेंगे प्रोग्रेसिव, वैसे 3 लेवल और 6 स्टेज दिए थे लॉरेंस कोलबर्ग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किससे एसोसिएटेड है? इसका जनक माना जाता है आपका जॉन डी को, तो कौन सा ऑरिजिनेटर है? एक इन्वेस्टन नहीं होगा, टीचर्स ऑरिजिनेटर ये भी नहीं है, लर्निंग प्रोसीड इन स्टेट वे ये भी नहीं है, मास्टरी के ऊपर नहीं बोले थे। नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके कोलेब्रेशन करके लर्निंग नॉलेज जनरेट हो सकता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन लोग ये मानते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे, नॉट टाइप का इंटेलिजेंस का बात किए थे,
ठीक है, जिसका हम ट्रिक बताया था LLM किसने से याद कर सकते हैं। तो एयर पायलट जो होता है उसका उसके पास कौन सा होता है, काइनेस्थेटिक होता है, ठीक है, काइनेस्थेटिक एयर पायलट के पास होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा स्किल चाहिए, सब कुछ सब ड्राइवर नहीं बन सकता है, इसके लिए काइनेस्थेटिक आपका जो है स्किल यानी इंटेलिजेंस चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 चाहिए। इंटरपर्सनल एक कोई रिलेशन नहीं है लिंग्विस्टिक और इंटरपर्सनल यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। द फैक्टर्स जी इन द एक्सपेरिमेंट डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, जो आपको पता होगा एक्सपेरिमेंट ने दो फैक्टर के बात किए थे, टू फैक्टर थ्योरी एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स एक्सपेरिमेंट दिए थे, तो उनमें क्या बात किए थे, एक एस फैक्टर और एक जी फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक, जी होता है जनरल, यानी जनरल इंटेलिजेंस कहाँ पे दिए, ऑप्शन 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 है जो सही है। और जितना भी थ्योरी था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वन फैक्टर किसने दिया था, अल्फ्रेड विनेट, ठीक है, टू फैक्टर चार्ल्स एक्सपेरिमेंट, मल्टी फैक्टर कौन दिया था, ई एल थॉर्नडाइक, गुरु फैक्टर कौन दिया था, एल एल थॉर्नस्टन, ट्रायर्की कौन दिया था, रॉबर्ट एस्टनबर्ग, मल्टीपुल कौन दिया था, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है, और थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी कौन दिया था, थॉमसन, ठीक है। इस प्रकार ये सब रहा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज इन एविडेंस डेट इन्फेंट हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव बिहेवियर फंक्शन, तो रिट्रीविंग बच्चा कर पा रहा है, यानी कोई चीज़ देख के नहीं देख लेता है, फिर से उसको सोचता है कि वो चीज़ है या नहीं है, इस तरह का बच्चा दिमाग लगा रहा है, कॉग्निटिव लगा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट परमेंस बच्चे में आ रहा है, यानी जीन पियाजेट थ्योरी के हिसाब से आपका जो स्टेज नंबर 1 था सेंसरी मोटर उसमें बच्चा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी इन द सोसाइटी, जेंडर पैरिटी का कौन से यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, कंपेरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल इन स्कूल, मेल और फीमेल कंपेयर करना, ऑप्शन 4 नहीं होगा, कंपेरिजन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू सर्वाइव, और 2 भी नहीं होगा, डिस्टिंक्शन पास करना, कंपेयर करके हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 दिया मुझे बेस्ट लग रहा है, कंपेरिजन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12, कितना मेल कितना फीमेल सर्वाइव कर पा रहा है 12 क्लास तक, इससे जेंडर पैरिटी में क्रिटेरिया में सोसाइटी में सुधार आ सकता है, ऑप्शन 3 इसे इस तरह जांच किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प टीचर, इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज टीचर में कोई क्या हेल्प कर सकता है, देखिए असेसिंग स्टूडेंट नीड्स टू ऑल स्टूडेंट एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, ये ऑप्शन 4 बेस्ट है, इनफॉर्म स्टाइल नहीं हो सकता है, एक्सेप्टिंग एक्टिविटी फेलियर नहीं करना यहाँ पे, और हार्ड एंड बैकवर्ड ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन 1, 2, 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 जो है एसेस कर पाएगा बच्चों को टीचिंग को अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो है सही आंसर है ऑप्शन 4। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग जो होता है मतलब पढ़ाने के दौरान होता है, उसमें करेक्शन का चांसेस होता है, ठीक है, फोस्टर मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन आ सकता है, सेग्रीगेशन नहीं करना है, ओवरऑल इंपॉर्टेंस ग्रेड तो होता है नहीं है फॉर्मेटिव में, और ए 4 नंबर वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन 4-1 होगा, क्योंकि ए मोटिवेशन फोस्टर करता है, यानी आप पढ़ाते दौरान यदि उसको ठीक कर पा रहे हैं तो उसमें मोटिवेशन आता है, तो ऑप्शन 1 ऐसे ही। आगे चलेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी SBA, सेटेट का सिलेबस में भी दिया है SBA, क्यों आया है, इससे आने से क्या फ़ायदा है, ये आने से टीचर बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं और उसके द्वारा इवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत आसानी होगी और बच्चों के हिसाब से इवोल्यूशन कर सकते हैं। टेक्निक रेदर देन एग्जामिनेशन ऑप्शन 1 ये नहीं होगा, ऑफरलेस कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन 4 भी नहीं है, ऑप्शन 3 जो दिया है इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक देख के लर्निंग लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन 15, स्टूडेंट इन ए क्लास आर आस्क्ड टू एग्जांपल वेरियस आर्टिफैक्ट ऑफ देयर वर्क इन ए नोटबुक टू डेमोंस्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दिस आर, यदि टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट इन क्लास आस्क्ड टू एग्जांपल वेरियस आर्टिफैक्ट ऑफ देयर वर्क इन नोटबुक, अपना अलग तरह तरह का आर्ट नोटबुक में टीचर को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए बोल रही है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, क्या सोसाइटी के लिए बच्चा कर सकता है, वो अपना कॉपी में लिखने के लिए बोल रही है, किस टाइप का एक्टिविटी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसे टाइप पोर्टफोलियो असेसमेंट, देखिए यहाँ पे ऑल टाइप मतलब एसेस कर रही है, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है यहाँ सही है, एनेक्डोटल ए यहाँ पे है, ए मतलब ऑल और ए फॉर एनेक्डोटल, तो यहाँ पे एनेक्डोटल कर रही है, ऐसे टाइप यहाँ असेसमेंट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट नहीं हो रहा, पोर्टफोलियो यहाँ पे कोई फाइल नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 सही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बाय प्लेसिंग स्टूडेंट इन ए लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड स्कूल इन्वायरमेंट द स्कूल, लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड स्कूल में प्लेस करके स्कूल में क्या किया जा सकता है स्टूडेंट को, इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, हो सकता है आंसर,
नॉर्मलाइज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रेन ऐसा कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है, सेंसिटाइज ऐसा भी कुछ नहीं है, इक्वलाइज किया जा सकता है लिस्ट एक्टिव स्कूल में पुट करके, तो ऑप्शन यहाँ पे वन सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ड्यूरेशन द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कंसाइंड विद टाइम ऑफ द अटेंशन एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम इन द फेज मैनर विल बी बेस्ट सुटेड टू डील विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ADHD जो है इसको डील करने के लिए ऊपर जो यहाँ पे बोला जा रहा है ये कर सकता है। ADHD प्रॉब्लम ये होता है, मतलब बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता है, मतलब एक ही साथ दो काम करता है, उसको बोलता है ADHD, अटेंशन में प्रॉब्लम होता है जो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए प्रोसेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद पीपल अराउंड हिम एंड सोशल इंस्टीट्यूशन टू डील विद द डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। ये यहाँ पे कौन सा आपका अप्रोच यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे साइकोडायनेमिक, इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, यहाँ पे इकोलॉजिकल यहाँ पे अप्रोच चल रहा है क्या, साइकोडायनेमिक, बायोलॉजिकल और बिहेवियर नहीं चल रहा, ऑप्शन टू यहाँ पे सही है। ठीक है, रेंजोली के हिसाब से कितना साइकिल है, तीन साइकिल है, थ्री साइडेड, थ्री सर्कल डेफिनेशन दिया था, थ्री सर्कल डेफिनेशन, ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही है रेंजोली के हिसाब से। आगे फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, दे इज नॉट नॉट टू प्रोग्रेस टीचर टू डेट ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे देख पढ़ लेते हैं। इट इज़ सेफ टू कंसिडर एटीट्यूड ऑफ द स्किल, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। देर इज़ नो नीड टू मॉनिटर, ऐसा भी नहीं है। टीचर शुड एडेप्ट एज स्टूडेंट चेंजेज, टीचर को एडेप्ट करना पड़ता है स्टूडेंट जैसे जैसे चेंज होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे थ्री सही है। ठीक है, ऑप्शन फोर नहीं होगा क्योंकि टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएट करके कुछ लाभ नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को कैसे टीचर एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ कर सकता है मॉनिटर के लिए, तो जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर रेटिंग, एनेक्डोटल केस स्टडी, मुझे लगता है ऑप्शन फोर सही है, लेकिन टू भी कम गलत सही नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करके टीचर लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक कर सकता है। ठीक है, लेकिन टू भी गलत नहीं है, तो यहाँ फोर सही होगा। आगे चलेंगे। द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट टू फाइंड ए फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय, अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट को अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ जीवित करने के लिए, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। एनकरेज दिस चिल्ड्रन टू डिफाइन देयर गोल, डिफाइन करके कुछ नहीं कर सकते हैं। टीचिंग ए वैरायटी ऑफ स्किल एंड स्टडी दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये हो सकता है, हाईली एक्सपेक्टेशन करके भी नहीं, वीकनेस करके भी नहीं, ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ भाइगोसी, भाइगोसी सोशल कल्चर और लैंग्वेज पे ज़्यादा बल दिए थे, उनके हिसाब से यहाँ पे कौन सा सही है। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले क्रूशियल रोल, हाँ बिल्कुल सही है, कल्चर और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी देखने का जरूरी नहीं है, आप ये थ्योरी पता होगा। तो इस थ्योरी में ZPD भी मिलेगा आपको, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्केप फोल्डिंग और MKO, ये दो तीन चीज़ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा यदि याद होगा आपको। तो टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट एंड टू कंट्रोल फेनोमेना आर द गोल्स ऑफ, एक किसका कौन सा मेथड का गोल है, कौन सा किस पर रीजनिंग लग रहा है, साइंटिफिक मेथड यहाँ पर लग रहा है, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, एक्सप्लेन करना, या साइंटिफिक मेथड में यूज होता है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पर सही है। आगे चलेंगे। ए क्लास 7 स्टूडेंट हैव इरर्स इन मैथमेटिक्स, टीचर वुड, यदि क्लास 7 का बच्चा इरर कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, सो द स्टूडेंट वेयर इरर्स वेयर मेड एंड आस्क टू रीडू, ऐसा करके मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कर पाएगा, आस्क स्टूडेंट टू अल्टरनेटिव मेथड और रीडू टू फाइंड इरर्स ऑफ हिज ओन, हाँ बिल्कुल सही, बच्चा यदि खुद से करेगा तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है और उसके द्वारा बच्चा सीखने का चांस होता है, टीचर कर लेगा कि टीचर आंसर बता देगा उससे कुछ नहीं होने वाला, तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही है। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंस में भी एसोसिएटेड विच ऑफ द डोमेन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल डोमेन किससे रिलेटेड हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी एसोसिएटेड विथ विच डोमेन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इमोशन जो है किस में आता है आपका, एग्जिस्टेंशियल इसमें नहीं आता है, विजुअल भी नहीं आता है, नेचुरलिस्टिक भी नहीं आता है, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशन जो है इसमें आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशनल डोमेन आता है। ठीक है, ऑप्शन वन यहाँ सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट हैज़ लिस्ट, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है साइकोलॉजी ऑफ इमोशन के लिए, देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वो है। ऑप्शन वन, इमोशन इज सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इमोशन मे नॉट ओनली ओकर विद द इंडिविजुअल टीचर बट ऑल्सो एंटायर क्लास, ये सही है। इमोशन आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द एरोजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, अभी सही है। इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एज वेल, अभी सही है। टू और थ्री सही है, लेकिन हमको गलत बताना था तो इसलिए गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, हम लोग के लिए नहीं सही होगा ऑप्शन वन। राजेश स्ट्रगलिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कम्प्लीटली, द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर द वे टू सॉल्व इट कम्प्लीटली नॉलेज, अंदर से जो आता है कोई भी चीज़ करने के लिए राजेश को भी वही आ रहा है, यानी उसके अंदर मोटिवेशन का कीड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे वन सही है। 23 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली मोटिवेशन साइकिल कौन सा है यहाँ पे? सबसे पहले नीड आता है, उसके बाद नीड आता है, सॉरी ड्राइव आता है, उसके बाद नीड होगा या फिर वन होगा, या तो कौन सा होगा देखते थे, वन तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले नीड आता है, उसके बाद ड्राइव आता है, उसके बाद एरोजल आता है, उसके बाद गोल डायरेक्टर बिहेवियर होता है, अचीवमेंट रिडक्शन होता है। ऑप्शन फोर यहाँ पर सही है। ये साइकिल जो होता है मोटिवेशन साइकिल आपको पता होगा, सबसे पहले नीड होता है, ठीक है। नीड मतलब होता है पाना, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है पहले नीड, देखते पहले नीड आएगा पहले ड्राइव आएगा। ड्राइव मतलब होता है प्रेरणा, सबसे पहले तो मुझे लगता है प्रेरणा आता है, ठीक है, उसके बाद नीड आता है। तो देखिए कौन कौन नहीं होगा, ऑप्शन थ्री और वन चला गया, बचा टू और फोर। सबसे पहले नीड आता है, नीड मतलब आवश्यकता आता है, नहीं नहीं सबसे पहले प्रेरणा मिलता है किसी से, मान लीजिए कोई स्पीच सुन रहे हैं तो आपसे सबसे पहले प्रेरणा मिलता है, ठीक है। उसके बाद नीड आता है, आवश्यकता आता है, उसके बाद रिजल्ट गोल डायरेक्टर बिहेवियर अचीवमेंट डायरेक्टर। ऑप्शन टू यहाँ पे सही है, ठीक है, टू सही है, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल के हिसाब से आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी बंदूरा। एल्बर बंदूरा के हिसाब से चार था, अटेंशन रिटेंशन मोटिवेशन, तो यहाँ पे कौन दिया है, रिटेंशन दिया, यानी ऑप्शन वन टू नंबर यहाँ पे सही है। उनके हिसाब से चार लेवल दिए थे, अटेंशन रिटेंशन मोटिवेशन, यहाँ पे रिटेंशन दिया, तो यहाँ पे हम लोग का सही होगा रिटेंशन। तो इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आगे फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।